हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखने वाले, साथ में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, और इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेगा और बहुत ही आसानी से आप सीख पाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाला है। देखिए, ये जो है ये स्पीच कह सकते हैं या नहीं, तो ये क्या है, निबंध है। जनसंख्या अतिवृद्धि पर क्या है, निबंध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें बहुत सारा आपको वर्ड्स इम्प्रूव होने वाला है, ठीक है। एंड वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ, जनसंख्या अतिवृद्धि। पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ, जनसंख्या अतिवृद्धि, किस तरीके से जनसंख्या को हम रोक सकते हैं और किस तरह से जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप है, ये बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। आवर कंट्री इंडिया इज करेंटली फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन, इलिटरेसी एंड मैनी सोशल इश्यूज। आवर कंट्री, हमारा देश इंडिया, हमारा देश इंडिया इज है करेंटली, वर्तमान में फेसिंग, सामना कर रहा है, ठीक है। यानी क्या, हमारा देश भारत ये सब्जेक्ट है, कौन, तो हमारा देश भारत ये सब्जेक्ट है, इज सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है, यानी प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज, और ये फेसिंग यानी सामना कर रहा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हमारा देश भारत सामना कर रहा है वर्तमान में मैनी प्रॉब्लम्स, कई समस्याएं, जैसे लाइक मीन्स जैसे बेरोजगारी, गरीबी, करप्शन, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, निरक्षरता जिसे आप कहते हैं, एंड और मैनी सोशल इश्यूज, कई सामाजिक मुद्दे, और कई सामाजिक मुद्दे से, समस्याएं से हमारे भारत अभी वर्तमान में सामना कर रहा है। इफ, यदि वी लुक एट देम, हम देखते हैं उस पर, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। यदि हम उस पर देखते हैं, वी विल फाइंड दैट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। विल मीन्स होता है गागेगी, ठीक है। हम पाएंगे, फाइंड मीन्स पाना, ज्ञात करना, ठीक है। हम पाएंगे दैट कि द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि, हम पाएंगे जनसंख्या में वृद्धि इज द रूट कॉज, रूट मीन्स होता है मूल, ठीक है, कॉज कारण, मूल कारण है, मूल कारण है ऑफ ऑल दिस, सभी ये समस्याएं, सभी ये समस्याएं का मूल कारण है इन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, जनसंख्या में वृद्धि होना। दीज प्रॉब्लम्स विल बी ऑटोमेटिकली सॉल्व्ड इफ द पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड। दीज, ये समस्याएं होगा, बी मीन्स होना, बनना, और बिल मीन्स गागे, ठीक है। ये समस्याएं होगा ऑटोमेटिकली, अपने आप, खुद ब खुद सॉल्व्ड, हल, ये समस्याएं अपने आप हल होगा इफ, यदि द पॉपुलेशन इज रिड्यूस, जनसंख्या कम किया जाए। ये क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है, ठीक है, भाव का थर्ड फॉर्म। यदि जनसंख्या को कम किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली यानी खुद ब खुद क्या होगा, ये सारी समस्याएं कम हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ, पीपुल हैव टू स्ट्रगल फॉर फूड, शेल्टर एंड प्योर वाटर। बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, ठीक है, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, जनसंख्या के कारण, ओवर ग्रोथ अतिवृद्धि, जनसंख्या के अतिवृद्धि के कारण, पीपुल हैव टू स्ट्रगल। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट और हैव टू, हैव टू का प्रयोग किया जाता है जैसे में कोई चीज करना पड़ता है या फिर कोई चीज करना है तब के लिए, ठीक है। लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल में संघर्ष करना, लोगों को संघर्ष करना पड़ता है भोजन के लिए, शेल्टर आश्रय के लिए, एंड और प्योर वाटर, शुद्ध
पानी के लिए, शुद्ध जल के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है लोगों को। इवन द एयर इन डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज इज पोल्यूटेड। इवन द एयर इन डेंसली पॉपुलेटेड, हवा में भी डेंसली पॉपुलेटेड मीन्स होता है घनी आबादी, ठीक है, घनी आबादी सिटीज इज, शहर में है पॉपुलेटेड प्रदूषित, और शहर में भी हवा क्या है प्रदूषित है। डेंसली पॉपुलेटेड मीन्स होता है घनी आबादी शहर में होने से हवा में भी प्रदूषित है, हवा भी प्रदूषित है, इवन मीन्स भी, विच कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टी इन पीपल। विच कॉज, जिसके कारण ब्रीथिंग, सांस लेने में मुश्किल होती है इन पीपल, लोगों में, जिसके कारण मुश्किल होती है, डिफिकल्टी मुश्किल होती है ब्रीथिंग, सांस लेने में, विच कॉज, जिसके कारण। द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑल्सो रिक्वायर्स मोर नेचुरल रिसोर्सेस फॉर डे टू डे लिविंग। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या भी रिक्वायर्स, जरूरत है, आवश्यक है, मोर नेचुरल, अधिक प्राकृतिक संसाधन की, फॉर डे टू डे लिविंग। फॉर डे टू डे मीन्स होता है दिनचर्या के जीवन में, लिविंग मीन्स जीवन, दिनचर्या के जीवन में बढ़ती जनसंख्या को भी आवश्यक है अधिक प्राकृतिक संसाधन के, दिनचर्या के जीवन में। Resulting in a bad impact on the environment due to the rapid increase in the population. परिणाम स्वरूप बुरा प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर। In a bad impact on the environment, बुरी प्रभाव पड़ता है, impact means प्रभाव पड़ना, on the environment, पर्यावरण पर, due to, यहाँ पे full stop होगा, ठीक है, due to the rapid increase in the population. Due to means होता है कारण, ठीक है, रैपिड इंक्रीज, बढ़ती या तेज बढ़ती जनसंख्या में तेज बढ़ोतरी के कारण टुडे आवर कंट्री हैज रीच्ड द पॉपुलेशन मार्क ऑफ 135 करोड़। आज हमारे देश पहुंच चुकी है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है, अभव का थर्ड फॉर्म, ठीक है, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, और ये हमारा सब्जेक्ट है। हमारे देश पहुंच चुकी है द पॉपुलेशन, जनसंख्या में 135 करोड़ तक, हमारा देश अभी 135 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। भारत की स्थान दूसरी है इन द वर्ल्ड, संसार में दूसरी स्थान है भारत की, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरी स्थान पर है आफ्टर चाइना, चाइना के बाद, चाइना प्रथम स्थान पर है जनसंख्या में और भारत दूसरी स्थान पर है। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ इज फेस्ड बाय मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड अलोंग विद इंडिया। जनसंख्या अति वृद्धि की समस्या इज फेस्ड सामना किया है बाय मेनी अदर कंट्रीज, कई अन्य देश, इन द वर्ल्ड, संसार में कई अन्य देश भी अति वृद्धि जनसंख्या की समस्या को सामना किया है या फिर कर रहा है, अलोंग विद इंडिया, भारत के साथ अन्य देश भी जनसंख्या से भी जूझ रहा है। देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड दिस tremendous increase in population. There are many reasons. कई कारण हैं, यहाँ पे देर का प्रयोग सब्जेक्टिव जब पर किया गया, इसका मीनिंग नहीं निकलेंगे, ठीक है, कई कारण हैं
बिहाइंड दिस, इसके पीछे ट्रिमेंडस इंक्रीज, भयानक भयंकर बढ़ोतरी इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में, इन ट्रिमेंडस मीन्स भयानक भयंकर अद्भुत, इंक्रीज बढ़ोतरी जनसंख्या में, मैनी पीपल इन इंडिया आर इलिटरेट बिकॉज ऑफ दिस, कई लोग भारत में अशिक्षित हैं, निरक्षरता है, बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, बिकॉज ऑफ मिस कारण, इसके कारण पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, लोग डू नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझते हैं, अंडरस्टैंड में समझना, ठीक है, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है, लोग नहीं समझते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के महत्व, परिवार नियोजन, प्लानिंग मीन्स नियोजन, परिवार नियोजन के महत्व, परिवार नियोजन के महत्व लोग नहीं समझते हैं अशिक्षा के कारण, ठीक है, मैरिजेस एक्योर एट अ यंग एज इन इंडिया, मैरिजेस एक्योर, शादी होता है एट अ यंग एज, एक छोटी उम्र में, युवा एज में, यानी छोटी उम्र में इन इंडिया, भारत में, भारत में कम उम्र में भी शादी कर दिया जाता है लड़के लड़कियां को, द क्लाइमेट हियर इज वार्म एंड फेवरेबल फॉर लिविंग, यंग पीपल आर ऑल्सो हैव अ सोशल प्रेशर टू डू गेट मैरिड, द क्लाइमेट हियर इज वार्म, यहाँ के क्लाइमेट, जलवायु, यहाँ की जलवायु गर्म है, क्लाइमेट मीन्स जलवायु, एंड और फेवरेबल, अनुकूल फॉर लिविंग यंग पीपल, युवा लोगों के रहने के लिए, युवा लोगों के रहने के लिए अनुकूल है, फेवरेबल मीन्स अनुकूल, अल्सो भी है अ सोशल, सामाजिक, सामाजिक प्रेशर, सामाजिक दबाव टू गेट मैरिड, शादी करने का, शादी करने का सामाजिक, सामाजिक प्रेशर, सामाजिक दबाव भी, प्रेशर मीन्स दबाव होता है छोटी उम्र के लड़के लड़कियां पर, मोर ओवर, इसके अलावा मैनी फैमिलीज प्रेफर अ बेबी बॉय ओवर अ बेबी गर्ल, इसके अलावा कई परिवार प्रेफर, पसंद करता है एक बेबी बॉय, लड़की को, कई परिवार पसंद करता है एक बेबी बॉय, लड़के को, ओवर अ बेबी गर्ल, एक बच्चे, एक बच्ची की अपेक्षा, एक बच्ची की अपेक्षा लड़के को पसंद करता है, लड़के को बढ़ियाता प्राथमिकता दी जाती है परिवार में, कई परिवार में, इन सच फैमिलीज, सच मीन्स ऐसी, ठीक है, ऐसी परिवार में इवन इफ द प्रेजेंट्स हैव वन और टू बेबी गर्ल, दे प्लान फॉर अनदर बेबी बी द होप ऑफ अ मेल चाइल्ड, इवन यहाँ तक कि यदि पेरेंट्स, माता पिता है मिस, जो प्रेजेंट में हमारे पास कुछ हो तो हैव का प्रयोग करते हैं, वही पास्ट में कुछ होता है तो हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव का प्रयोग करते हैं पास के लिए, और माता पिता के पास एक या दो बच्चे, गर्ल लड़कियां, एक या दो लड़कियां हो जाए, दे प्लान फॉर अनदर, वे नियोजन करते हैं दूसरे बच्चे के लिए, वो दूसरे बच्चे के लिए प्लान करते हैं, जब एक या दो लड़कियां हो जाए तब पर भी, विद अ होप, एक आशा के साथ, ऑफ अ मेल चाइल्ड, एक लड़के बच्चे के लिए, एक लड़के बच्चे के लिए आशा के साथ वो तीसरे बेबी को भी प्लान कर लेती हैं, जो उनके परिवार वाले होते हैं वो, ठीक है, टुडे इवन आफ्टर 7 decades ऑफ इंडिपेंडेंस, आज इवन, यहाँ तक कि
सात दशकों के बाद यहाँ तक कि आज यहाँ तक कि सात दशकों के साथ डेकेट्स में दशक ऑफ इंडिपेंडेंस आजादी के स्वतंत्रता के सात दशकों बाद भी आज 22% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। 22% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अपोस्ट्रोफियस मींस का के ठीक है भारत के जनसंख्या के 22% इज है भारत के जनसंख्या के 22% है बिलो मींस नीचे द पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे है। 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं भारत में ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ जनसंख्या वृद्धि के कारण ड्यू टू मींस के कारण ठीक है जनसंख्या वृद्धि के कारण 22% ऐसे पीपल हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। द फुल बेनिफिट ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज नॉट बीइंग रिसीव्ड। फुल बेनिफिट पूरी तरह से फायदे ऑफ प्रोग्रेस प्रगति के और डेवलपमेंट विकास के ऑफ द कंट्री देश इज नॉट बीइंग रिसीव्ड देश नहीं ले पाता है रिसीव्ड मींस प्राप्त कर पाता है पूरी तरह से फायदे प्रगति और विकास के देश नहीं प्राप्त कर पाता है पॉपुलेशन के कारण। कंट्री इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ इलिटरेसी एंड माल न्यूट्रिशन देश अभी भी स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रही है कंट्री इज स्टिल स्ट्रगलिंग देश अभी भी संघर्ष कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ठीक है भाव के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एसएमआर ठीक है देश स्टिल अभी भी संघर्ष कर रहा है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स समस्याओं को हल करने के लिए ऑफ इलिटरेसी असक्षरता निरक्षरता या जिसे आप अशिक्षा कहते हैं उस समस्याओं को हल करने के लिए एंड और मेल न्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण ठीक है जो कुपोषण का शिकार हो जाते जिस बच्चे को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है सही से खान पियन नहीं होता है उस बच्चे को जो कुपोषण का शिकार हो रहा है जो लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं उस समस्या से भी संघर्ष कर रहे हैं हमारे देश। प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी समस्या है लाइक पॉवर्टी जैसे पॉवर्टी गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बेगड़ी एंड अदर सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज विल बी सॉल्व ओनली इफ वी कंट्रोल आवर पॉपुलेशन भीख मांगना एंड और अन्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दे विल बी सॉल्व होगा हल होगा ओनली मात्र यदि हम कंट्रोल नियंत्रण करते हैं बी कंट्रोल हम नियंत्रण करते हैं हमारी जनसंख्या को जब हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करते हैं तब ये मुद्दे को ये सारी चीजों जितनी भी समस्या हो सभी को हम हल कर सकते हैं अदरवाइज नहीं तो वी विल स्टे deprived of the benefits of development we will stay deprived hum vanchit rah jayenge stay means rukna thehrna aur stay deprived means hota hai vanchit rah jana theek hai we will miss kaagi hum vanchit rah jayenge of the benefits of development vikas ke faydon se theek hai vikas ke faydon se hum vanchit rah jayenge एंड और प्रोग्रेस प्रगति से वी विल हैव टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट मसास
विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है कोई चीज करना पड़ेगा, ठीक है, कोई चीज करना पड़ेगा तब के लिए विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। स्पीड मीन्स फैलाना, ठीक है। अवेयरनेस मीन्स होता है जागरूकता, हमें जागरूकता फैलाना पड़ेगा, हमें जागरूकता फैलाना पड़ेगा। और फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के लिए हमें अवेयरनेस जागरूकता फैलाना पड़ेगा। एमंगस्ट मसाज, मसाज मीन्स होता है जनता, एमंगस्ट मीन्स बीच, जनताओं के बीच में हमें अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, जो जागरूकता होता है कि कितने बच्चे जरूरत है, ठीक है, एक और दो बच्चे पैदा करें तभी हमें अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। और जितने भी कारण हैं सभी जनसंख्या की वजह से ही हमारे देश में उत्पन्न हो रही है। पीपल शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ, शुड मींस चाहिए, ठीक है, लोगों को समझना चाहिए द प्रॉब्लम, समस्या ऑफ पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ, जनसंख्या अतिवृद्धि के समस्या, जनसंख्या अतिवृद्धि के समस्या को लोगों को समझना चाहिए। एंड और रिस्पॉन्सिबली गिव बर्थ टू ओनली वन और टू चिल्ड्रेन, और जिम्मेदारी से दे बर्थ, जन्म दे टू ओनली वन, मात्र एक या दो बच्चे, या एक या दो बच्चे को जन्म दे, बर्थ गिव, जन्म देना, ठीक है। जनरल पब्लिक स्कूल कोऑपरेट फुल्ली विद द गवर्नमेंट फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, आम जनता, आम लोग शुड कोऑपरेट, कोऑपरेट मीन्स होता है सहयोग करना, ठीक है, आम जनता को सहयोग करना चाहिए फुल्ली, पूरी तरह से, विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ, फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए आम जनता को सरकार का सहयोग करना चाहिए। जो रूल बनाती है सरकार उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, तभी हमारे देश आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा आगे बढ़ने में हमारे देश को, ठीक है। तो ये था आज का, ये ऐसे था, निबंध था, बहुत ही इंटरेस्टिंग आई थिंक लगा होगा आपको। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।